हेरिटेज का रेस्टोरेंट में है हम लोग। हाँ सर, ये मेरा गारंटी है, मेरे होटल में जो मटन बनता है सबसे अच्छा मटन बनता है। अगर खराब रहेगा मैं उसको गारंटी लेता हूँ 100% मैं उसको रिटर्न ले लूँगा। आ गया वो मटन करी जो होम स्टाइल है इधर का सबसे फेमस, तो हमें इंसिस्ट कर दिया कि इसको खाने के लिए। बड़ा पीस है, काफ़ी बड़ा पीस है। दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं, हमारा जो आज का लंच जहाँ पे है पहला बैशाख की को सेलिब्रेट करने के लिए माँ हम लोग को खिला रही है। चले छवि तुम दे कि मटन इधर का इतना अच्छा है कि खा के ट्राई कीजिए, तो हम इसलिए इनके बातों में मैं ऑर्डर दे रही हूँ और खा के बताऊँगी कैसा है। और ये भी है, अगर अच्छा नहीं लगा तो ये वापस ले लेंगे, इतना गारंटी के साथ। हाँ सर, ये मेरा गारंटी है, मेरे होटल में जो मटन बनता है सबसे अच्छा मटन बनता है। अगर खराब रहेगा मैं उसको गारंटी लेता हूँ 100% मैं उसको रिटर्न ले लूँगा। अतिथि हेरिटेज का रेस्टोरेंट में हैं हम लोग और आज नववर्ष है, आप सबको शुभ नववर्ष हो। और अभी मैंने ऑर्डर दे चुका, क्या क्या ऑर्डर दिया मैंने वो चीज़ बताती हूँ। राइस दिया, आलू भाजा दिया, दाल दिया, इन लोगों का जो होम स्टाइल मटन है वो दिया। और माँ के लिए एकदम, माँ जो नहीं खा पाती है, जीरे झोल, रुई मछ का जीरे झोल जो लाइट होगा, और सैलड दिया। और अगर अच्छा लगा तो हम फिर चिकन भी ट्राई करेंगे, मतलब फ़िश भी हो गया, मटन भी हो गया, जो चिकन बचा है उसको भी ट्राई करेंगे। तो अभी हमें पहले जलजीरा सर्व किया है ताकि हमारा थोड़ा सा एपिटाइज़र हो। और एक चीज़ है, 25 मिनट्स ये लोग मांगे हैं ताकि 25 मिनट्स में ऑर्डर आ जाएगा। हैप्पी न्यू ईयर, शुभ नववर्ष, शुभ नववर्ष आप सबको, शुभ नववर्ष, आप सबको शुभ नववर्ष, आपका ये साल बहुत अच्छा जाए, ये हमें प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से। शुभ नववर्ष।
खाने के लिए स्पून की ज़रूरत नहीं है, खाना मुश्किल होगा, इसको उंगली से ही खाना पड़ेगा, हाथ से ही खाना पड़ेगा, मैं उसे ही खा लूँगा। ये मटन है, बड़ा पीस है, काफ़ी बड़ा पीस है, लेकिन बोन्स भी बड़ा है काफ़ी इसका। देखता हूँ, टेस्टी तो है, टेस्टी है, टेस्टी है, बहुत टेस्टी भी बोल सकते हैं आप, लेकिन मुझे बोन्स ज़्यादा लगे हैं। पूरा गला हुआ है, पूरा पूरा गला हुआ है, पका हुआ है ठीक से, और उसके साथ ये आलू है। यहाँ मुझे समझ में नहीं आया कि क्या यहाँ मटन में आलू खाते हैं, हमारे यहाँ जनरली नहीं बनाते हैं। फाइनली हम लोगों का लंच कंप्लीट हुआ। माँ सुष्मिता और मधुमिता नीचे जा रही है, मौसी वगैरह सीढ़ी से धीरे धीरे धीरे, और मैं सोच रहा हूँ कि जाते जाते ऊपर से उनका मैं एक शॉट ले लूँ और दिखाऊँ कि बीच इस रेस्टोरेंट से कैसा दिखता है।